न्याय न मिलने से कलेक्टर परिसर में अनशन पर बैठा पीड़ित दलित परिवार। मामला धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बंजर वनड़ी पूरे पंडित वृंदावन का है, जहां इंद्र प्रसाद पुत्र राजकुमार निवासी का आरोप है कि उसी गांव के कुछ दबंग लोगों ने मिलकर के 15 वर्ष पुराने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। जब इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई एवं आरोपियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित का आरोप है कि जब तक आरोपी तुलाराम गोविंद तुलसीराम पुत्र जग प्रसाद पुत्र राजकुमार राजेश सुरेश पुत्र तुलसीराम के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी, वह रास्ता को नहीं खोला जाएगा जब तक पीड़ित अनशन करने को मजबूर रहेगा। प्राइम न्यूज़ 24 से देवी पाटन मंडल ब्यूरो गोंडा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। जिसमें खंड विकास अधिकारी इटिया ठोक की जांच आख्या आई है कि 15 वर्ष पुराना खड़ंजा उजाड़ा गया, उसमें मुकदमा बनता था, लिखा जाना चाहिए, ये रास्ता भी हो। इस घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको है? जी बिल्कुल है, तमाम ये घटना सत्य है, सही है, ये घटना इनके द्वारा बताया गया सत्य है। जो जांच रिपोर्ट आई है उससे ये प्रतीत होता है कि घटना सही है। इसकी शिकायत इन्होंने किया है? इनकी शिकायत इन्होंने उच्च अधिकारियों को किया है, जरिए नोटिस दिया है और तमाम शिकायती प्रार्थना पर किया है। मैं खुद इनको लेकर के कलेक्टर साहब से मिला हूँ, लेकिन अब तक के उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। धरना स्थल में आप इनके साथ सहयोग में हैं? जी मैं इनके साथ सहयोग में हूँ और अधिकारियों को इनकी आवाज़ पहुँचाता हूँ। अच्छा, आप न्याय पक्ष के लिए आप आवाज़ पहुँचाते हैं? जी। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। अच्छा, इन्हीं पीड़ित पक्ष को आप लोग जानते हैं, मतलब यही पीड़ित पक्ष के बारे में आप लोग जानते जी, हैं? जी मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं और जानता हूँ। तो इन्हें न्याय कब तक मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं मिली अभी? आश्वासन नहीं मिला? अधिकारियों के ऊपर है ये, न्याय कब तक करेंगे ये इनके ऊपर निर्भर है। आश्वासन नहीं मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला है। तो धरना इनका कब तक चालू रहेगा? धरने पर ये बैठे हैं, आश्वासन मिलेगा कार्यवाही के लिए तो धरना समाप्त करेंगे, कार्यवाही नहीं। आश्वासन नहीं मिला है अभी? नहीं, अगर आश्वासन मिला कार्यवाही हुई तब धरना समाप्त होगा, या फिर ये आश्वासन ये पाएंगे तब धरना समाप्त होगा। दूसरी तीसरी घटना ये है कि ठोक थाने की रामा देवी जी बैठी हैं, इनके साथ मारपीट हुआ, इनकी लड़की बैठी है उसके साथ मारपीट हुआ, इनके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा लिख गया उसी घटना का, और इनका मुकदमा नहीं लिखा गया। ये भी अच्छा, इनके बच्चों का मुकदमा लिख दिया गया, इनका नहीं लिखा गया? इनका नहीं लिखा गया। तो जब मारपीट हुआ है तो दोनों तरफ से क्रास केस बनता था, लिखा जाना चाहिए था, मुकदमा भी तो नहीं लिखा गया? अभी नहीं लिखा गया। तो अब क्या चाहते हैं इनके? अब इनकी मांगे जो है कार्यवाही हो तो ये धरना समाप्त किया जाएगा। अच्छा, मांगे जब पूरी हो जाएगी तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा? अभी तक कोई आश्वासन के अधिकारी नहीं मिला? अभी तक तो कोई नहीं आया। प्राइम 24 मंडल ब्यूरो से रिपोर्ट, गोंडा। चलो ठीक है। थाना कौन सा लगता है? धानेपुर जनपद गोंडा। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारा खरंजा लग रहा है, और खरंजा हमारा भतीजा हमारा भाई जारी बहाय भी। खरंजा कब लगा हुआ था? खरंजा होगा लगभग 5 साल 15 साल लगे। 15 साल लगे हुआ और खरंजा उजाड़ दिया गया? इसकी कार्रवाई पुलिस में शिकायत आपने किया? पुलिस क्या किया है? अब जिला अधिकारी महोदय को तहसील कौन सी लगती है आपकी? तहसील गोंडा। गोंडा अभी तक कोई खरंजा का कोई निर्माण नहीं हुआ? दोनों निर्माण आप खरंजा भी नहीं लगा? उजाड़ने वाले कौन कौन है? तुलाराम तुलसीराम जग प्रसाद राम गोपाल हैं, 6-7 लोग। सबकी घटना है ये? होगा साहब, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? दोनों कार्रवाई भोग करता है। कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक हमारे निर्णय साहब तब तक बैठा रहा। किसी अधिकारी द्वारा आश्वासन मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिला? कब बैठे हैं आप? वह लगभग आए के बैठे तो यहाँ 10 बजे 9 बजे आए। 9 बजे क्या नाम है आपका? अच्छा प्रसाद जी, क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत ये है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल संख्या में अध्यक्ष हूँ, और ये समस्याएं मैं देख रहा हूँ कि बड़ी विकट समस्या है। प्रथम समस्या तो ये है कि देवी की लड़की पुष्पा 16-7 को भगाई गई, पहले तो इनका मुकदमा नहीं लिखा गया, फिर NCR को उस दिन लिखा गया, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, तब उनका नाम पर मुकदमा लिखा गया, और अभी तो पकड़ लाती है पुलिस, छोड़ देती है, लड़की बरामद नहीं की। ये बड़ी गंभीर विषय है। दूसरा प्रकरण है कि सरकारी खड़ंजा उजाड़ा गया है, बनजानोंडी का इंद्र प्रसाद जी खड़े हैं, जिसमें खंड विकास अधिकारी इटिया ठोक की जांच आख्या आई है कि 15 वर्ष
पुराना खड़ंजा उजाड़ा गया उसमें मुकदमा बनता था, लिखा जाना चाहिए, ये रास्ता भी होगा। इस घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको है? जी बिल्कुल है, तमाम घटना सत्य है, सही है, ये घटना इनके द्वारा बताया गया सत्य है, जो जांच रिपोर्ट आई है उससे ये प्रतीत होता है कि घटना सही है। इसकी शिकायत इन्होंने किया है? इनकी शिकायत इन्होंने उच्च अधिकारियों को किया है, जरिए नोटिस दिया है और तमाम शिकायती प्रार्थना पर किया है। मैं खुद इनको लेकर के कलेक्टर साहब से मिला हूँ।